अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, मैं विजेता और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। कोरोना महामारी से जहां सारी दुनिया डरी हुई है, उसी बीच एक बड़ी राहत देने वाली और बड़ी खबर ब्रिटेन से सामने आई है। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में वैक्सीनोलॉजी डिपार्टमेंट की प्रोफेसर सारा गिलबर्ट ने यह दावा किया है कि वह सितंबर तक कोरोना वायरस की वैक्सीन को तैयार कर देंगी। कोरोना वायरस की वैक्सीन को बनाने के लिए दुनिया भर के देश शोध कर रहे हैं। हर देश यह चाह रहा है कि जल्द से जल्द कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार हो, लेकिन अब ये बड़ी खबर और बड़ा दावा ब्रिटेन की तरफ से किया गया है। सारा गिलबर्ट ने बताया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक वैक्सीनोलॉजी डिपार्टमेंट महामारी बन जाने वाली किसी बीमारी पर काम कर रही थी जिसे एक्स नाम दिया गया था, और इस बीमारी पर तकनीक के साथ योजना बनाकर काम की जानी थी, लेकिन तब तक कोरोना वायरस महामारी का रूप ले चुका था। प्रोफेसर सारा का कहना है कि चियारो तकनीक के साथ उनके बनाए हुए वैक्सीन की परीक्षण की जा चुकी है और परीक्षण सफल भी रहा। इसकी एक डोज से ही इम्यून को लेकर बेहतर परिणाम मिले हैं, जबकि आरएनए और डीएनए तकनीक से दो या दो से अधिक डोज की जरूरत होती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीनोलॉजी डिपार्टमेंट इस वैक्सीन को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रही है, और इस वैक्सीन के क्लिनिकल परीक्षण से पहले ही उन्होंने इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर दी है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग के लिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कुल 7 मैन्युफैक्चरर्स के साथ मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, जिनमें 3 ब्रिटेन, 2 यूरोप, 1 चीन और 1 भारत से भी है। अब सारी दुनिया यही उम्मीद कर रही है कि ये वैक्सीन क्लिनिकल परीक्षण में सफल हो और जल्द से जल्द कोरोना की ये वैक्सीन देश और दुनिया में फैली इस महामारी को खत्म करे। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।